हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन का जो है सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर। इससे रिलेटेड आपका जो है फाइव पॉइंट सेवन है, जो कि आपका पेज नंबर 62 पर दिया हुआ है। 62 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग जो है लाइफ फैक्टर, अर्थात जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसका फैक्टर हम डिफरेंस निकालना सीखेंगे। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5/9 - 1/9। देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपका लाइफ फैक्टर है, दोनों का न्यूमरेटर आप डिनोमिनेटर देते हैं सेम। ठीक है, तो इसके लिए जैसे एडिशन हम लोग करते थे सेम उसी तरीके से है, ये 9 आप डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पर राइट करेंगे और उसके बाद में न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पहले लिख लेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन में 5/1 होता है आपका 4/9, ये आपका है 9, ये आपका 4/9 जो है आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका10/17 - 4/17। देख रहे हो ये फैक्शन आपका लाइफ फैक्शन है, डिनोमिनेटर आपका सेम है जो कि 17 दिया गया है। आप देख रहे हैं तो सेम इसी तरीके से इसमें एडिशन निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है तो उसका एडिशन ही सेम आता है वही। ठीक है, यहाँ पर एडिशन आपको नहीं निकालना पड़ेगा और न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से राइट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, तो आ जाएगा 8 - 4 = 6/17, ये आपका जो है डिफरेंस हो जाएगा आंसर। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है 19/26 -13/26 अब ये क्वेश्चन भी देख रहे हैं बच्चों आपका जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर के में ये भी लाइक करता है, सेम उस तरीके से आपको प्राप्त करना है। 23 से यहाँ लाइक करेंगे आप, उसके बाद डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको क्या रहेगा अपार। लेकिन अभी तक जो हमारा ये आंसर आया था ये जो लोएस्ट सर्वे था, मतलब 60
पहले से ही था, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं था, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये चार का इसको अभी चार भाग में इसको फेंक दिया जा सकता है, मतलब जो एक प्रश्न का लिखा ही सकता है, लेकिन इस नंबर से जो है दोनों डिवाइड हो जाएंगे थ्री से, टू से इसको कट करेंगे, टू थ्री का एक और टू बन जाए, उसके बाद टू थ्री का। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में आंसर आएगा आपका थ्री अपॉन थर्टीन। जब जो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका डिफरेंस रहता है, यदि वो लोएस्ट टर्म में पहले से है या साठ साल से पहले से है, तब तो उसको कुछ नहीं करेंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन यदि उसको और छोटा किया जा सकता है, साठ साल उसका लिखा जा सकता है, तो उसको आप कट करके जो है उसको लोएस्ट टर्म में या फिर साठ साल में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा था लाइफ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर अगर आपका सेम तरीके से 17 अपॉन 23 माइनस 8 अपॉन 23, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी लाइक फैक्टर है आपका, डिनोमिनेटर से मैं आप देख रहे हैं 23, इसको सेम इसी तरीके से आप यहाँ राइट करेंगे, उसके बाद न्यूमिनेटर को आप फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। 17 माइनस 8 यहाँ पर, 17 माइनस 8 यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद न्यूमिनेटर को ये सॉल्व करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आ जाएगा 9 अपॉन 23। 23 बच्चों एक प्राइम नंबर है और एक ऑपोजिट नंबर है। अब दोनों का जो है लोएस्ट टर्म में नहीं किया जा सकता, तो साठ साल में इसको आप नहीं कर सकते, इसीलिए इसी पर इसको छोड़ेंगे, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 9 अपॉन 23। इस तरीके से लाइफ फ्रैक्शन का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद अब स्थिति में जो है अनलाइफ फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपका 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4। ये देख रहे हैं जो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है अनलाइक फैक्टर है, क्यों, क्योंकि इसका जो है कैलकुलेटर सेव नहीं है, ठीक है। अभी आपको बताया ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से इसका डिनोमिनेटर जो है 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, इस तरीके से अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 2x4 इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, आप पर इसको निकालेंगे तो देखिए एक हो जाएगा 1 2 और 1, इस तरीके से यदि निकालेंगे इसका तो आ जाएगा आपका 2 2, कैसे कह रहे 2 2 = 4। ये हमारे एक्सप्रेशन कितना है 4, तो 4 को हम कहाँ रखते हैं बेटा, इस तरीके से अगला एक्सप्रेशन जो फैक्टर होता है
इन दोनों फैक्टरों का के जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे और उस एलसीएम को यहाँ पर ये लाइन खींच करके इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक टू से इसको हम डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम को यहाँ पर आप फोर को इससे डिवाइड करेंगे, पहले फैक्टर के डिनोमिनेटर टू टू जा फोर। अब ये कोशिश क्या है, टू है, टू का हम क्या करेंगे वन में मल्टीप्लाई करेंगे, टू का क्या करेंगे वन में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कोशिश आ गया टू, पहले तो टू से इसको डिवाइड किए, डिनोमिनेटर से फोर को डिवाइड किया गया, उसके बाद जितना कोशिश है उसका जो है हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू बन कर क्या आएगा, ये टू हम कहाँ गए कटने वाले नहीं है, ठीक है, इसी से
से एक ही नंबर से नहीं कटेंगे, इसलिए लोएस्ट टर्म में है, इसको और छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर डिस्टेंस के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो बच्चों आपका देखिए 11/20 3/3 तरीके से ये रियल लाइफ फैक्टर है, दोनों का हम क्या लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है 20 है, इसी का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर अभी आपके बच्चों जो है लाइव सेक्शन और अनलाइव सेक्शन दोनों तरीके का जो है डिफरेंस देखा। इसके बाद जो है हम लोग मिक्स सेक्शन का कैसे डिफरेंस निकालते हैं उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मिक्स सेक्शन का क्वेश्चन आपका सेम यही है, डिस्टेंस फाइंड करना है, केवल क्वेश्चन आपका सेम हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें आपसे पहला क्वेश्चन है आपको मिक्स फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4 या 3/4 माइनस 2/1/4। ये देखिए उसको आपका मिक्स फैक्टर है लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, इसको हम इम्प्रॉपर फैक्टर में पहले चेंज करेंगे। तो इम्प्रॉपर जो फैक्टर होगा वो लाइव फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपके फ्रेंड सेम है तो इसको लगाना आसान होगा। देखिए 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 से 3 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 15। ये जो है हमारा इम्प्रॉपर फैक्टर में चेंज हो गया। उसके बाद दूसरे वाले फैक्टर को भी हम पहले इम्प्रॉपर फैक्टर में करेंगे। 4 2 8 1 कितना होता है 9/4।
अब आप देख रहे हैं जो है लाइट सेक्टर बन गया है, तीन मीटर सेम है बिल्कुल आधा। आप यहाँ पर लाइट एक्टिव कीजिए, उसके बाद फोर यहाँ पर 50 माइनस 9 कर सकते हैं और लास्ट वीडियो में आपका 50 माइनस 9 इक्वल टू होता है आपका 6 अपन 4। अभी ये स्क्रीन पर चल रहा है तो एक से सस्पेंड करेंगे इसको, अगला इंडिकेशन है देखिए ये हो जाएगा 2 × 4 = 3/2 और ये आपका देखते हैं इन प्राप्त फैक्टर में है कि इसको आप लिख फैक्टर से चेंज करेंगे कैसे। अभी आपको बताया था कि 3 को 2 से डिवाइड करेंगे जो कोटेंट आएगा जो होल नंबर हो जाता है 1/8 को ठीक से यहाँ इक्वल टू 1/2 ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है बच्चों 9/2/3 माइनस 5/1/5/1 आप देख रहे हैं कि जो है मिक्स फ्रैक्शन है लेकिन इम्प्रॉपर को जब चेंज करेंगे तो ये लाइन फ्रैक्शन बनेगा। पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3 × 9 = 29 / 5 = 3 दोनों में 3 ऐड करते हैं और ऊपर आप न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से और आ जाएगा आपका 30/5। अब देखिए 30/5 जो आया हमारा ये है बच्चों आपका इसमें जो 13 है ये आपका प्राइम नंबर है तो इसको आप लोएस्ट टर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, इसको केवल आप लोएस्ट फैक्टर में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 13 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम है तो 12 आ जाएगा और 4 टाइम ले गए हम और 1 रिमाइंडर आएगा आपका 4 में 1/3 या 4/1/3 ठीक है बेटा। इस तरीके से ये आंसर अगला क्वेश्चन देखिए हम पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों 3 वाला सेम है ये लगा लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है 8/5/6 माइनस 3/2/3 अभी आप देख रहे हैं इससे पहले तो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो है इसका न्यूमरेटर सेम होता है जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 और 3 ठीक है तो बाद में प्रॉपर में जब हम इसको चेंज करते थे बच्चों तो ये हमारा लाइफ फैक्टर बन जाता था लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है जब इसको हम इन प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये अनलाइफ फैक्टर बनेगा ठीक है। देखिए 6 का 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज आपका आता है 48 5 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा आपका 9 + 3 = 11 / 3 हो जाएगा। अब देखते हैं ये दोनों फैक्टर जो बना ये इम्प्रॉपर फैक्टर तो है लेकिन ये जो है अनलाइक फैक्टर भी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले क्वेश्चन में
हम जो है जो बी रिलेशन का एलसीएम फाइंड करेंगे 6H3 का, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 6+3 का एलसीएम में आता है 6। अब 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का में डिवाइड किया जाएगा, 1 का आप 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डी माइनस 3 से इसको 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में आपका डिवाइड होगा और 2 का एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे 22। अगला इक्वेशन है आप केवल हमको इसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है, 63 में से 22 को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पर आ गया 31/6, जिसमें आप देख रहे हो 31 जो है ये आपका प्राइम नंबर है, इसलिए इसको आप लोएस्ट स्तर पे नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये कटेगा नहीं, और अब इसको आप केवल मिक्स फैक्टर में चेंज करेंगे क्योंकि ये इंप्रॉपर है। तो 6 × 5 = 30 होता है, 1 2 3 का आंसर आपका, तो यहां पर ये मतलब I told 1/6 we apply this to 1/6 ये आपका डिफरेंस आएगा। इस तरीके से जो है लाइक फैक्टर चाहे वो आपका मिक्स फ्रैक्शन हो चाहे फिर जो है अनलाइक फ्रैक्शन, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा। अब इसके बाद जो हम लोग होमवर्क लेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, छह क्वेश्चन आपको दिए जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में इसको आप होमवर्क रूप में सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये ऐसे प्योर सिर्फ आपका है पेज नंबर 62 पर, इसमें का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ये फ्रैक्शन का कम्युलेटिव रिवीजन है इसको देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाइम टेक केयर।